fashion and style secrets okay so to begin with fashion to you is fashion to me is comfort first and then trend so yeah it's a mix of comfort and trend both what would be that one word that describes your style amazing <laughs> comfortable fit boy next door <laughs> who is your fashion boy? एज आई साइड वरुण धवन आई जी लाइक इज फैशन एक्चुअली देर आर मैनी आर बट आई कैन टेल यू द स्टाइलिस्ट आई बिकॉज एक्टर तो कपड़े वही पहनता है तो स्टाइलिस्ट उसको ऑप्शन देता है आई थिंक माई फेवरेट स्टाइलिस्ट वुड भी फ्रॉम बॉलीवुड जो विक्की uh, कौशल को स्टाइल करती हैं आई थिंक अमनदीप नाम है उनका इफ एम नॉट रॉन्ग एंड या अमनदीप हो गई फिर uh, वैसे मेरे मुँह पर आ नहीं रहा है एमी एमी करके एक है उ डू प्रनाउंस इट एक्सैक्टली सो दीज टू स्टाइल आई री लाइक फैशन आई थिंक एनी अमाउंट ऑफ मनी आई थिंक स्निकारा तो है ही आई थिंक आई मिनट टू लॉर्ड ऑफ एच एन एम ऑल्सो दीज डेज एंड एच एन एम का मेक्स कुछ एंड जैक एंड जो तो बचपन से ही था वॉट वुड आई वेयर इट्स अ वेरी फॉर्मल डेट्स तो मतलब आज कल फॉर्मल क्या ही है आई वेर अफ जीन्स अर्ट अंदर उसके साथ कुछ अच्छा मे बी लाइक कलरफुल वाइब्रेंट गंजी एंड स्निक नाइस वॉच No, no, no. is... आज ही देख रहा था कि आज ही आप लोग के आने के पहले मैं था क्या मैंने कहा इतने सारे कलर्स हैं बट चलो मी गो विद ब्लैक तो ब्लैक तो कंफर्ट कलर है ही बट इट्स फुल ऑफ रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट ऑरेंज एवरीथिंग द टाइप ऑफ शर्ट So I like these uh, oversized. So I'm a lot into oversized these. Days, like oversized shirts, okay, oversized T-shirts, okay. So I think oversized shirts might dominate my wardrobe at the moment. So what would you? Uh, what would your ideal airport go to look like? A nice uh uh, uh quad set. इफ़ इट्स अ डे फ्लाइट देन अ वाइब्रेंट कलर एंड इफ इट्स अटन मे बी लाइक अ चॉकेट ब्राउन और अ वेरी शीक वेरी सटल कलर नॉट वेरी ब्राइट कलर लाइक अच्छ सट इज ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर एस नो आई ओनली वेयर वॉच विच हैव बीन गिफ्टेड सो बाकी ऐसे स्टेटमेंट ज्वेलरी वेटमेंट ज्वेलरी नहीं अंगूठियाँ तो जो मुझे पहनने बोली है तो मेरी हमेशा रहती हैं सो अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली वॉचेज वो चेन वेन वो बचपन में करते थे अब नहीं <laughs> so, uh, enjoy I enjoy experimenting मतलब course see what the trend is जैसे आजकल ना ये uh, baggy jeans का बहुत चल रहा है कापेंट jeans तो मुझे लगता था कि यार कैसे झूलती झूलती सी लगती हैं but फिर जब मैंने ली तो मुझे अच्छी लगी so I think I follow this so it's a mix of both सो यू नो इफ आईम गोइंग टू अ प्लेस जहाँ मुझे ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना है सो आई कैरी दीज फैनी पैक्स जो आप ऐसे यहाँ पर लगाते हो या क्रॉस बॉडी वो अगर शूट पर जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरा डफल बैग मेरे साथ होता है क्योंकि उसमें पूरा हेयर किट मेकअप दवाइयाँ ववाइयां बहुत सामान होते हैं आपके परफ्यूम वर्फ्यूम सो इफ़ आई एम ट्रैवलिंग और फॉर शूट अ डफल बैग और इफ़ आएम जस्ट गोइंग योर इन द्रेंड्स वेंड्स के साथ तो एक फैनी पैक लुक्स नाइस या या, hmm. yeah, yeah. <laughs> <But laughs> मुझे पैकिंग अच्छा याद दिलाया आपने या सो वेरेवर इन द वर्ल्ड आई ट्रैवल, आई ऑलवेज कैरी माई ओन टॉयलेट्रीज, आई डो नॉट डिपेंड ऑन मैं इनफैक्ट अपना टूथपेस्ट भी खुद कैरी करता हूँ क्योंकि मुझे होटल्स के टूथपेस्ट नहीं जमते सो so टॉयलेट्रीज या Um, अभी व यू गो टू अ फाइव स्टार सो वैन यू गो टू अ गुड प्लेसेज देर द ट्रावल्स आर ऑलवेज देयर बट आई कीप माई ट्रावल जस्ट फॉर देट अगर मुझे उनका ट्रावल नहीं पसंद आया तो और uh, मेरी दवाइयाँ तो होती ही हैं मतलब दवाइयाँ एज एन सैडाउन हो गई पेट में बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग आप बाहर का खावा लेते हो सो माई टॉयलेटरीज एंड दीज एंड चार्जर तो होता ही है हर जगह होता है सो so, या yeah. So maybe any issues or ये तो मतलब हर हफ्ते की कहानी है तो मैंने एट वन पॉइंट ना मैंने इंस्टाग्राम पे जो सारे पेजेस थे कपड़ों के मैंने उनको देखना ही बंद कर दिया मैं बोला देखना ही नहीं है मुझे क्योंकि मुझे पता है मैं देखूंगा मुझे पसंद आएगा मैं ले लूँगा बट यू नो दे से एक्टर्स होने के जो पर्कस होते हैं उसमें एक ये पर्क ये बोलता है कि आपको फ्री के बहुत कपड़े मिल जाते हैं बाटर वाटर में तो मैंने कपड़े खरीदना अभी कम कर दिया है क्योंकि माँ स्टाइलिश और जो ब्रांड होते हैं वो लोग ही इतने सारे कपड़े भेज देते थे कि जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं मैं सिर्फ वो ख़रीद लेता हूँ बाकी तो मेरा हो जाता है 嗯。Hmm. Uh, यार आप लोगों को ना बहुत सारी फैशन एडवाइस मिलेगी बट हमेशा जो एक कॉमन फैक्टर हमेशा वो रहेगा सॉरी जो होगा कि ऑलवेज वे समथिंग यू आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटेड अगर जैसे मैंने ही गलती की थी मैंने एक बार एक इवेंट में आई हैड आस्ट अ स्टाइलिस्ट टू सेंड मी अ सूट एंड दैट सूट वॉज सो अनकंफर्टेबल दैट इट वॉज विजिबल ऑन माई फेस एंड आई एम अ वेरी लाइक आई लाइक टू बिलीव आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन बट उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा था मेरे फेस में बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द सूट द सूट वॉज वेरी नाइस द फिटिंग्स वो नॉट राइट तो कहीं पर ही क्या होता है जस्ट बिकॉज आपको वो सूट पहनना है वो गलत फिटिंग्स भी कैसे तैसे करके यू नो पहन लेते हो इन ऑल ऑफ दैट तो पहले तो आपका कम्फर्टेबल होना चाहिए एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन दन आउटफिट बाकी आप मुझे किस किसी ने तो ये बात बोली थी मैंने कहीं तो पढ़ी थी कि अगर आप सौ रुपये की भी टी शर्ट पहन लो ना ओन इट लाइक इट इज टेन थाउजेंड बक्स सो दैट ओनली कम्स विद इनर कॉन्फिडेंस एंड इनर कॉन्फिडेंस ओनली कम्स विद आउटफि वैन यूर कम्फर्टेबल इन इट सोफ यूर कम्फर्टेबल यू कैन रॉक एनी आउटफिट thank you so much once again thank you thank you so much <laughs> hi guys this is vihanvi varma and you're watching me exclusively on famezo and please like comment share and subscribe to the channel and do not forget to ring the bell icon for some amazing content